कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 9 अध्ययन अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्न क्रमांक 2। यदि किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं क्या मान लो कौन सी समांतर श्रेणी दी है, तो हम मान लेंगे समांतर श्रेणी की जो तीन संख्याएं, माना समांतर श्रेणी की तीन संख्याएं कैसी है। पहली है ए ऋण डी, दूसरी है ए तथा तीसरी है ए धन डी। ध्यान दीजिए, हमने सर्वांतर डी रखा है ताकि डी को घटाएं, डी को हटाया और डी को जोड़ दिया तो तीनों समांतर श्रेणी में आ गए। क्योंकि संख्याओं का योगफल, क्योंकि क्या दिया है, संख्याओं का योगफल 24 है, क्योंकि संख्याओं का योगफल बराबरी से कितना है 24 है, इसका मतलब इन तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए ऋण डी धन ए धन ए धन डी बराबरी से कितना 24। डी से डी तो घट गया लेकिन ए में क्या होगा, जुड़ गया, तो क्या तीने बराबरी से कितना 24। इसलिए ए बराबरी से 24 में तीन का भाग देंगे तो कितना 8 बार गया, तो ए बराबरी से 8। क्योंकि संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि क्या दिया है, दूसरी कंडीशन दी है कि इन्हीं संख्याओं का जो गुणनफल है, जिनका अभी अपन ने क्या किया, योग किया, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल बराबरी से कितना 440 है। इट मीन्स क्या क्या ए ऋण डी ए धन डी बराबरी से कितना 440। ए की वैल्यू आ चुकी है 8, तो यहाँ रखेंगे हम क्या 8 ऋण डी 8 धन डी बराबरी से 440। इस 8 से 440 में भाग देंगे तो 8 पंचे 40, तो ये ही 8 ऋण डी 8 धन डी इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो मान आएगा 64 ऋण डी स्क्वायर बराबरी से 55। 55 की तरफ जब 64 जाएगा तो ऋण होगा, तो क्या आ जाएगा, ऋण डी स्क्वायर बराबरी से ऋण 9, और ऋण से ऋण कट गया तो क्या आ गया, डी स्क्वायर बराबरी से 9। इसलिए जो डी की वैल्यू आई है 9 का वर्गमूल धन 3 या ऋण 3। यदि डी का मान, यदि हम हमारे पास ए बराबरी से कितना आया 8 तथा डी को हम धनात्मक लें, तब कौन सी समांतर श्रेणी के तीन पर क्रमशः हमारे पास क्या थे, हमारे पास था ए ऋण डी ए धन डी, मतलब 8 ऋण 3 8 धन 3, ये ही तीन पद होंगे, मतलब कौन कौन से 5, 8 और 11। यदि ए का मान तो हम 8 ही रखे, यदि ए बराबरी से 8 तथा डी का मान धन 3 की बजाय ऋण 3 रखे, तब समांतर श्रेणी के तीन पद ए ऋण डी, मतलब 8 ऋण ऋण धन 3, ए मतलब 8 फिर 8 ऋण 3, तो समांतर श्रेणी के तीन पद होंगे 8 और 3 11, 8 और 5। तो क्या मतलब हुआ, या तो समांतर श्रेणी ये होगी या ये होगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल, धन्यवाद।